महिंद्रा ने लंबे समय से सुर्खियां बटोर रही एक सयूवी 700 कार से आखिरकार पर्दा उठा दिया है। यह गाड़ी एक सयूवी 500 एसयूवी की जगह लेगी। इसकी बुकिंग और डिलीवरी शुरू होने में फिलहाल कुछ समय लगेगा। महिंद्रा एक सयूवी 700 में क्या कुछ खास दिया है, आगे बात करने वाले हैं। एक सयूवी 700 महिंद्रा की पहली एसयूवी है जो कंपनी की लेटेस्ट डिजाइन थीम पर बेस्ड है। यह एक सयूवी 500 एसआई बड़ी है, लेकिन इसकी चौड़ाई और ऊंचाई एक सयूवी 500 जितनी ही है। स्टाइलिंग के मामले में भी यह कार एक सयूवी 500 एसआई ज्यादा बेहतर लगती है। फ्रंट एक सयूवी 500 की फ्रंट प्रोफाइल उसकी डिजाइन हाईलाइट थी और अब एक सयूवी 700 के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यह महिंद्रा की पहली कार है जिसमें ग्रिल के सेंटर पर कंपनी का नया ट्विन पी लोगो दिया गया है। इस गाड़ी की ग्रिल आधे से ज्यादा फ्रंट बम्पर को कवर करती नजर आती है। इसमें छोटा एयर डैम सेक्शन और स्मॉल फ्रंट स्प्लिटर डिजाइन भी दी गई है जो बम्पर पर इंटीग्रेटेड है। इसका ऊंचा बोनट ग्रिल पर वर्टिकली फ्लैट होने से पहले आगे की तरफ झुका हुआ है। ऐसे में इस गाड़ी की शेप बॉक्सी की बजाय ज्यादा डायनामिक लगती है। हेडलाइट्स एक सयूवी 700 के एलईडी हेडलाइट्स का डिजाइन एक सयूवी 300 में दिए गए इसी तरह के हेडलाइट्स से ज्यादा अपडेटेड नजर आता है। इसमें इंटीग्रेटेड सीक्वेंशियल एलईडी इंडिकेटर्स और टॉप पर सी शेप की एलईडी डे टाइम रनिंग लाइटें भी दी गई है। इस गाड़ी में ब्लैक हाउसिंग के साथ एलईडी फोग लैंप्स भी दिए गए हैं जिसे फ्रंट बम्पर पर नीचे की तरफ पोजीशन किया गया है। इसकी ब्लैक हाउसिंग को एयर डैम डिजाइन पर इंटीग्रेट किया हुआ है। रियर साइड एक सयूवी 700 की रियर साइड थोड़ी उभरी हुई है, इस पर डायनामिक कर्व डिजाइन मिलती है। इसमें रूफ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी दिया गया है जिसके चलते इसमें रूफ लाइन के एज पर थोड़ा स्लोप मिलता है। फ्रंट के मुकाबले इसमें रियर साइड पर कई सारे डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं जो इसे एकदम क्लीन लुक देते हैं। मोटी क्लैडिंग और सिल्वर रियर स्किड प्लेट इसके चौड़े रियर बम्पर की स्टाइलिंग को ज्यादा आकर्षित दिखाती है। इसमें टेलगेट पर दी गई बैजिंग में नया महिंद्रा लोगो एक सयूवी 700 ब्रांडिंग और नीचे की साइड पर दाएं तरफ वेरिएंट बैजिंग शामिल है। टेल लैंप्स महिंद्रा ने एक सयूवी 700 के एलईडी टेल लैंप्स को एरो शेप दिया है। यह पूरे टेलगेट पर दो भागों और कई सारे सेक्शन में बंटे हुए नजर आते हैं। इसका मिडल एलिमेंट सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स के लिए है, वहीं नीचे की तरफ छोटा सेक्शन रिवर्सिंग लैंप्स के लिए दिया गया है। साइड प्रोफाइल एक सयूवी 700 का बड़ा साइज साइड एंगल एसआई सबसे ज्यादा पता चलता है। इस गाड़ी की लंबाई 4695 मिलीमीटर है, वहीं व्हील बेस का साइज 2750 मिलीमीटर है। इसकी ऊंचाई 1755 मिलीमीटर है जिसके चलते यह अपने साइज को लेकर बड़ी लगती है। इसकी साइड प्रोफाइल पर नीचे की तरफ कैरेक्टर लाइंस मिलती है जो इसे दमदार लुक देती नजर आती है। वहीं इसमें शोल्डर लाइन फ्रंट से लेकर रियर साइड तक जाती दिखाई पड़ती है। इसकी मस्क्यूलर डिटेलिंग एक सयूवी 500 की डिटेलिंग से मिलती जुलती लगती है। इसमें ए पिलर के पार्ट के सभी पिलर पर फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट के लिए ब्लैक फिनिशिंग मिलती है, वहीं इसकी विंडो लाइन के निचले हिस्से पर क्रोम एलिमेंट दिया गया है। इसका रियर क्वार्टर पैनल काफी बड़ा है जिसके चलते इसके साथ सीटर वेरिएंट में थर्ड रो पर बैठे पैसेंजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकेगा। इसमें नीचे की तरफ क्लैडिंग दी गई है जो फ्रंट व्हील आर्क एसआई शुरू होकर पूरी पीछे की तरफ जाती है। एक सयूवी 700 के डोर हैंडल्स पर एकदम नई तरह की डिजाइन मिलती है। इसमें डोर हैंडल्स की पोजिशनिंग कुछ महंगी कारों जैसी नजर आती है। एक सयूवी 700 में हैंडल्स का रियर हिस्सा बाहर की तरफ पॉप आउट होता है और फिर इसको पकड़कर डोर को ओपन किया जा सकता है। जिन वेरिएंट्स में महिंद्रा का नया एड्रेनो एक्स इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है उसमें फ्रंट लेफ्ट फेदर पर बैजिंग भी मिलती है। व्हील्स महिंद्रा एक सयूवी 700 में 17-inch के व्हील्स स्टैंडर्ड मिलेंगे, जबकि इसके टॉप वेरिएंट में मल्टी स्पोक डायमंड कट 18-inch व्हील्स मिलेंगे। इन व्हील्स का साइज भी एक सयूवी 500 में दिए गए व्हील्स के एकदम बराबर है। भारत में एक सयूवी 700 को टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ पेश किया जाएगा।
इंजन के साथ इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलेंगे। यह गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में भी उपलब्ध होगी। सेगमेंट में इसका मुकाबला टाटा हैरियर, सफारी, हुंडई अल्काजार, एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस से होगा। महिंद्रा ने इसके कई वेरिएंट की प्राइस का खुलासा कर दिया है। भारत में इस कार की शुरुआती कीमत 11.99 लाख रुपए एक्स शोरूम रखी गई है।